हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तला हुआ आलू खाना नहीं छोड़ा तो कहना, ये वीडियो आपके होश उड़ा देंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या आपको आलू या फ्रेंच फ्राइज खाना अच्छा लगता है? आप आलू और फ्रेंच फ्राइज के लिए शौकीन हैं? अगर हाँ, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का खतरा झेलना पड़ सकता है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। शोध से पता चला है कि जिन लोगों ने उबले हुए, बेक्ड या मछले हुए आलूओं को हफ्ते में 4 या इससे ज़्यादा बार खाया है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 11% तक बढ़ गया है। शोध में ये बात भी सामने आई कि फ्रेंच फ्राइज का ज़्यादा सेवन पुरुषों और महिलाओं दोनों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 17% तक बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दूसरी सब्जियों की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए ये ब्लड शुगर के स्तर को भी तेजी से बढ़ा सकता है। अमेरिका के ब्रिगहम ब्रिगेन हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रमुख शोधकर्ता लिया बोगरी ने कहा कि अध्ययन में जिन प्रतिभागियों का हाई ब्लड प्रेशर बेसलाइन पर नहीं था और उन्होंने उबले हुए, बेक्ड या मसले हुए आलू का सेवन हफ्ते में 4 या इससे ज़्यादा बार किया, तो उनका हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने का खतरा उन लोगों की तुलना में ज़्यादा पाया गया जिन्होंने इनका सेवन महीने में 1 या उससे कम किया। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो आपको एक सलाह दी जाती है कि आप बेक्ड आलू या फ्रेंच फ्राइज या फिर किसी तरह के तले हुए आलूओं पर लगाम लगाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।